उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। 1.5 साल से फरार चल रहे गोवंश की हत्या का आरोपी अपनी छाती पर पोस्टर लगाए बीते दिन पुलिस के सामने पहुंच गया और खुद को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की गुहार लगाने लगा। थाने पहुंचे इस शख्स ने पुलिस से कहा, मैं गोवंश का आरोपी हूं और काफी समय से फरार चल रहा हूं। इस मुकदमे में मेरी पत्नी जेल में है, मेरा घर बर्बाद हो गया है, मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं और मैं वादा करता हूं कि आगे से इस प्रकार के अपराधों में शामिल नहीं होऊंगा। इसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर कार्रवाई करने के आदेश दिए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल मामला अयोध्या की रुदौली कोतवाली का है, जहां बीते दिन थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा था। पुलिस लोगों की समस्याएं सुन रही थी, तभी सीने पर पोस्टर लगाए हुए अकबर अली नाम का यह व्यक्ति छाती पर पोस्टर लगाए थाने के क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण तिवारी के पास पहुंचा और उनसे खुद को गिरफ्तार करने की मांग करने लगा। अकबर अली ने अपने पोस्टर में लिख रखा था, मैं गोवध का आरोपी हूं और काफी समय से फरार चल रहा हूं। मेरी पत्नी जेल में है और मेरा घर बर्बाद हो गया है, मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है, इसीलिए मैं सरेंडर कर रहा हूं। मैं दोबारा कभी कोई अपराध नहीं करूंगा। आपको बता दें, जिस घटना के आरोप में अकबर अली ने रुदौली थाने में आत्मसमर्पण किया, वह साल 2022 में हुई थी। पुलिस 5 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है, जबकि अकबर बीते 1.5 साल से फरार चल रहा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।